टेक्नोलॉजी के इस दौर में हर रोज लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं, ढेर सारे महंगे गैजेट्स लॉन्च किए जा चुके हैं। आजकल ईयरपॉड भी लोग जमकर खरीद रहे हैं। वो अलग बात है कि ईयरपॉड अच्छी क्वालिटी में आवाज सुनने के लिए नहीं बल्कि फैशन के लिए ज्यादा खरीद रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि छोटे से ईयरपॉड इतनी शानदार आवाज कैसे पैदा कर लेते हैं, वो भी कई सारी बेहतरीन फीचर्स के साथ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि फैक्ट्री में आकर एयरपॉड्स कैसे बनते हैं। एयरपॉड की बॉडी को बनाने का काम मशीनों द्वारा किया जाता है, जिसमें मिनटों का समय लगता है। हर कंपनी के अलग अलग डिजाइन होते हैं और उसी डिजाइन के हिसाब से मशीन में सेटिंग कर दी जाती है। एयरपॉड का सबसे अहम हिस्सा होता है बैटरी। मोबाइल बैटरी लिथियम आयन से बनती है। इसके लिए फैक्ट्री में ब्लैक लिथियम को अन्य केमिकल के साथ मिलाते हैं। थोड़ी देर बाद एक पेस्ट बनकर तैयार हो जाता है। इस पेस्ट को पॉलीमर शीट के ऊपर लगाते हैं। पॉलीमर शीट पर पेस्ट लगाने के बाद उसे कुछ घंटे के लिए रख दिया जाता है ताकि वो अच्छी तरह से सूख जाए। सूख जाने के बाद इसे सैंपल टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है। टेस्ट में पास होने के बाद इसे एक रोलिंग मशीन में डाला जाता है। रोलिंग मशीन के थ्रू इसे पास करते हुए इसका बंडल तैयार किया जाता है। बंडल के रूप में तैयार किए जाने के बाद कॉपर शीट बंडल पर भी लिथियम आयन का लेयर चढ़ाया जाता है। इसके बाद बारी आती है इसकी मोटाई नापने की। इसके लिए सेक्शन मशीन की मदद ली जाती है, जिससे पता चलता है कि एक शीट की मोटाई कितनी है। एक बार मोटाई जान ली, फिर इन शीट्स को रेक्टेंगुलर शेप में काट दिया जाता है और फिर सारे टुकड़े को एक जगह रख दिया जाता है। इसके बाद लिथियम की शीट के ऊपर कॉपर की शीट को रखते हैं और फिर अल्टरनेट अरेंजिंग करते हुए इन दोनों का मोटा लेयर बना लिया जाता है। अब जो तैयार हुआ है उस पर एल्युमिनियम की शीट को लगाया जाता है। एल्युमिनियम की शीट को लगाने के लिए पहले उसे पतले पतले पीस में काट लिया जाता है। अब एल्युमिनियम की शीट में बैटरी के इंटरनल हिस्से को डालकर इसे पैकिंग के लिए भेज दिया जाता है। पैकिंग के दौरान अगर कोई एक्स्ट्रा हिस्सा निकलता है तो फिर उसे कटिंग करके सर्किट प्लेट को फिट कर दिया जाता है। दोस्तों, क्या आपने बैटरी के ऊपर वो पीला हिस्सा देखा है? देखिए, इस तरह से उस पीले हिस्से को बैटरी के ऊपर चिपकाया जाता है। पता है क्या होता है इससे? एक्चुअली पीले टेप को लगाकर बैटरी के पावर स्टोर करने की क्षमता को चेक किया जाता है, क्योंकि अगर बैटरी पावर स्टोर नहीं कर पाए तो फिर बैटरी किस बात की। दोस्तों, बैटरी तो बनकर तैयार हो गई, लेकिन एयरपोर्ट में जिस क्वालिटी में आवाज सुनाई देती है वो कैसे आती है? तो दोस्तों, ये आवाज आती है, या यूं कहें कि जो फंक्शन है वो आता है इस पीसीबी की मदद से। ये ना हो तो फिर समझो कुछ नहीं। आइए अब आपको बताते हैं कि ये पीसीबी बनती कैसे है। पीसीबी को बनाने के लिए कॉपर और ग्लास से बनी शीट को कन्वेयर बेल्ट पर रखा जाता है। इस दौरान इनमें इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को फिट कर दिया जाता है। उसके लिए इनमें कई होल दिए जाते हैं ताकि सारे कंपोनेंट अपनी जगह पर फिक्स रहें। इसके बाद किया जाता है सबसे इम्पोर्टेंट काम। यहाँ पर पीसीबी इंजीनियरिंग का रोल सबसे अहम है। पीसीबी इंजीनियर सबसे पहले कंप्यूटर में सर्किट डायग्राम को तैयार कर लेते हैं। इसके बाद पारी आती है ट्रैक प्रिंटिंग की। इसके लिए शीट्स को एक मशीन में डाला जाता है। इन शीट्स पर मशीन यूवी लाइट का इस्तेमाल कर इनके मदद से ट्रैक बनाती है। आपको बता दें कि इस प्रोसेस को करने के लिए डार्क रूम की जरूरत पड़ती है। अब आप पूछेंगे कि डार्क रूम क्यों? क्योंकि ट्रैक बनाने वाले मटेरियल काफी लाइट सेंसिटिव होते हैं, और अगर लाइट पड़ गई तो फिर शीट पर लाइट पड़ने से सारी मेहनत खराब हो जाएगी, ट्रैक इस्तेमाल करने लायक बचेगा ही नहीं। इसके बाद इंचिंग प्रोसेस किया जाता है। इनसे प्रिंट हुआ कॉपर अलग निकाल लिया जाता है। इसके बाद इनका ऑप्टिकल इंस्पेक्शन किया जाता है। इस प्रोसेस में सेंसर की मदद से डिजाइन हुए ट्रैक को चेक किया जाता है। आप में से कई लोगों ने ये नोटिस किया होगा कि पीसीबी का कलर ग्रीन होता है, लेकिन ग्रीन करने के लिए मार्किंग प्रोसेस किया जाता है। इस दौरान शीट पर ग्रीन कलर को प्रिंट कर लिया जाता है ताकि शॉर्ट सर्किट का खतरा न के बराबर हो जाए। इसके बाद इस पर अलग अलग इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को लगाया जाता है जो काफी साइज में छोटे होते हैं लेकिन असरदार होते हैं। ये इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट होते हैं जैसे कि ट्रांजिशन, चार्जिंग पिन। इसके बाद तैयार हुआ ये पीसीबी बोर्ड को छोटे छोटे साइज में काट लिया जाता है और लो, बनकर तैयार हो गया आपका एयरपॉड। अच्छा हाँ, एक चीज तो बताना भूल ही गए। इसके बाद बारी आती है चार्जिंग असेंबलिंग की।
चार्जर की असेंबलिंग के लिए एयरपॉड के बगल वाले हिस्से में मैग्नेट लगाकर ग्लू की मदद से फिट कर लिया जाता है। अब सर्किट को बनाने के लिए बैटरी को पीसीबी के साथ वेल्ड करते हैं, फिर सर्किट को चार्जिंग के ऊपरी हिस्से में स्क्रू की मदद से जोड़ दिया जाता है। इसके बाद बारी आती है टेस्टिंग की। टेस्टिंग प्रोसेस के दौरान बैटरी को चार्ज करके लाल टेप को चिपकाया जाता है। इसके बाद सर्किट के चार्जिंग फंक्शन को देखने के लिए कुछ वक्त के लिए एयरपोर्ट को चार्ज किया जाता है। इसके बाद वायरलेस कॉर्ड को वेल्ड करके बैटरी पर लगे डबल टेप के ऊपरी वाले लाल हिस्से को निकालकर इसके भीतर बैटरी को फिट कर दिया जाता है और चार्जिंग सेक्शन हो गया तैयार। और अब आइए आपको बताते हैं एयरफोन्स कैसे बनते हैं। इसमें एक झन्नाता हुआ, दमदमाता हुआ फाड़ वाला स्पीकर को फिट किया जाता है। इस स्पीकर से हमें आवाज आती है और इसके साथ एक पीसीबी भी लगाया जाता है और इसी में ब्लूटूथ, एंटीना, माइक्रोफोन जैसे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट फिट कर दिए जाते हैं। पता नहीं आप में से कितने लोग इस बात को जानते होंगे कि हमें जो आवाज बिल्कुल क्लियर आती है उसमें माइक्रोफोन का ही सबसे बड़ा रोल होता है। दोस्तों, पीसीबी को वेल्डिंग कर एयरपोर्ट में फिट किया जाता है। इसके बाद मिनी बैटरी को लगाने के बाद येलो टेप से कवर किया जाता है। लास्ट में अल्मोनियम से बने चार्जिंग पॉइंट को लगा दिया जाता है और काम बचता है ब्रांडिंग और पैकिंग का, जिसे वर्कर्स फैक्ट्री में ही अंजाम देते हैं। तो दोस्तों, इतने सारे प्रोसेस और ढेर सारी मेहनत के बाद अब आप तक एयरपोर्ट पहुंचते हैं और कुछ तो काफी महंगे भी होते हैं। कुछ ऐसे ब्रांड हैं जिनके एयरपोर्ट खरीदने के लिए लोगों की दीवानगी सर चढ़कर बोलती है। वैसे महंगे से याद आया कि क्या आप जानते हैं कि सबसे महंगा एयरपोर्ट कौन सा है? दोस्तों, मार्केट में कई हेडफोन्स अवेलेबल हैं, कुछ की कीमत कम है तो वहीं कुछ थोड़ा सा बजट से बाहर हो जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 79 लाख रुपए के हेडफोन्स भी मार्केट में है जिनमें सोने का इस्तेमाल किया गया है? जी हाँ, रूस की लग्जरी गैजेट्स कंपनी कैवियर ने हाल ही में 79 लाख का हेडफोन लॉन्च किया है। कैवियर ने एप्पल के एयरपोर्ट्स मैक्स को मॉडिफाई करके इन हेडफोन को तैयार किया है। एप्पल के एयरपोर्ट्स मैक्स के मॉडिफाइड वर्जन की कीमत $108,000 यानी करीब 79 लाख रुपए है। दरअसल कंपनी ने इन हेडफोन को 750 ग्राम सोना और दुर्लभ मगरमच्छ के चमड़े के इस्तेमाल से तैयार किया है। इसके एयर कप गोल्ड प्लेटेड हैं। बता दें कि केवियर ने ऐसा पहली बार नहीं किया है, बल्कि पहले भी वो एप्पल के आईफोन को मॉडिफाई करती रही है। केवियर कई ऐसे फोन पेश कर चुकी है जिनमें गोल्ड डायमंड का इस्तेमाल किया जाता है। बता दें कि एप्पल ने अपने पहली बार वायरलेस ओवर द ईयर हेडफोन को लॉन्च किया है जिनका नाम एप्पल एयरपोर्ट्स मैक्स है। हालांकि इसके डिजाइन के लिए कंपनी को काफी ट्रोल भी किया जा चुका है, लेकिन ट्रेंड की शुरुआत एप्पल से ही होती है। एप्पल एयरपोर्ट मैक्स ग्लोबली लॉन्च हो चुके हैं। इंडियन मार्केट में हेडफोन्स को 15 दिसंबर से सेल के लिए उपलब्ध कराया जा चुका है। इसकी कीमत 59,900 रुपए है। इसके साथ एक स्मार्ट केस भी मिलता है जो कि ऊपर की तरफ फ्लिप होकर खुलेगा। इस केस में चार्जिंग के लिए लाइटिंग यूएसबी सी पोर्ट दिया गया है। दावा किया गया है कि वायरलेस हेडफोन में हाई फिडेलिटी ऑडियो है। इसके एल्युमिनियम के एयर कप है। वहीं इसका बैंड स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार किया गया है। इसमें 40 mm के कस्टम डायनेमिक ड्राइवर हैं, जिसके साथ एप्पल H1 चिप है। एप्पल के इस हेडफोन में कुल 9 माइक्रोफोन्स हैं, इनमें से 8 एक्टिव नॉइज कैंसिलेशन के लिए हैं। इसमें एक ही बटन दिया गया है। कनेक्टिविटी के लिए इसमें ब्लूटूथ 5 दिया गया है। दोस्तों, उम्मीद है कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो दोस्तों एक लाइक तो बनता ही है। साथ ही नीचे कमेंट में ये भी बताइए कि आप कौन से ब्रांड के एयरपॉड्स इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी के साथ वीडियो में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।